छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। हरवई जिला खनिज विभाग बलौदाबाजार क्षेत्र के अधिकांश रेत घाटों को प्रशासकीय स्वीकृति के तहत निर्धारित घन मीटर सुनिश्चित कर रेत खनन नियमों के आधार पर जगह चिन्हांकित कर केवल दिन में खनन का स्वीकृति ग्राम पंचायतों को प्रदान किए गए, लेकिन पंचायत के जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वयं रेत घाटों को संचालित न कर दूसरे व्यक्तियों को संचालित करने की स्वीकृति दिए गए हैं। उन व्यक्तियों के द्वारा नियमों के विरुद्ध रेत घाटों पर बेखौफ होकर प्रशासनिक स्वीकृति के आड़ में निर्धारित घन मीटर के बाहर अस्वीकृत हिस्सों को अंधाधुंध रेत खनन कर रोजाना शासन प्रशासन को लाखों रुपए का चूना लगाते आ रहे हैं। रेत खनन करने वाले ठेकेदार दिन हो या रात 24 घंटे रोजाना रेत की खनन प्रशासनिक स्वीकृति के आड़ में अवैध रूप से अचिन्हांकित जगहों पर करते हुए आ रहे हैं। ग्राम पंचायत तुरुमा के आश्रित गांव हमलडीहा में रेत का खनन जेसीबी मशीन के द्वारा दिन रात होना एवं अधिक भार नहीं वहन करने वाले तुरमा लवन पक्की सड़क मार्गों पर ओवरलोडिंग रेत भरी हाईवे एवं ट्रकों का चलना नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इसका दृश्य रोजाना देखने को मिल रहा है। आखिर नियमों के विपरीत रेत की खनन एवं परिवहन रेत माफिया एवं ठेकेदार किसके संरक्षण पर कर रहे हैं? अभी जो यहाँ अवैध रेत खनन हो रही है उसके मुख्य पट्टाधारी है मुकेश दुबे जी, और यहाँ शलार रेत अवैध खनन कर रहे हैं, अपने घन मीटर से ज़्यादा खनन कर रहे हैं। यहाँ के मुंशी हैं कुलदीप करके कोई, बाहर से हैं, और यहाँ अमलडिया का बस मिला था उनको खनन के लिए, लेकिन अवैध खनन करके रात और दिन करके वो तुरमा का भी खनन कर रहे हैं। बहुत दूर तक के देखने को मिलेंगे आपको। मैं उच्च अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ का अवैध खनन को रोकें।